अस्सलाम वालेकुम। एक कल वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी कल की क्लास की थी, तो वो हमने बनाई थी कि इसका ये जो ब्रिज है इसके मुतलक बनाई थी, इसके मुकम्मल आपको चेकिंग का तरीका, इसका एक एक चीज़ मैंने एक एक बताई थी आपको। तो अब मैं इसके बाद हम ये देखें, सीधा यहाँ पे आता है, लेकिन इसके बाद ये है, इसकी बाद में बात करेंगे ये क्यों है, क्योंकि ये जो है असल में ये सर्किट है जो आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे सर्किट होते हैं कि इससे पहले एक्सप्लेन इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ऐसा ये एक्सप्लेन मुझे करना पड़ेगा, फिर आपको सारी बात जो है इसकी समझ आ जाएगी, ये क्या है क्या नहीं है। तो इसमें आप ये देखें कि अब हमारे पास ये एक रिएक्टर है, रिएक्टर एक सिंगल कॉयल होती है जो कि इसका एक सिरा, ये देखें इस तरह इसकी वाइंडिंग है, यहाँ से इसकी ना, यहाँ से इसकी वाइंडिंग इस तरह वाइंडिंग है इसकी। तो ये एक मैग्नेट बनाता है, मैग्नेट कोर है ये फ्लेक्स के लिए यूज़ होती है। तो इसकी पूरी एक्सप्लेन मैं करूँगा आपको कि ये किस पर्पज़ के लिए लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, अगर ना होता, लेकिन इसका एक ही वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि पहले इसका बाकी सर्किट कुछ, फिर इसका सर्किट, इस तरह दो तीन दफ़ा इसका सर्किट एक्सप्लेन होगा तो फिर आपको इसकी वजाहत से समझ आएगी। लेकिन कल एक बंदे ने कमिट्स किया था कि भाई गेट का नहीं बताया, भाईजान अभी ये जो बना रहा हूँ मैं, अगर आप देखेंगे वीडियो तो कल आपका कमेंट से मुझे मिला था कि आपने इसका नहीं बनाया, भाई ये एक अलग मैटर है, इसका मैं बना सकता हूँ, बनाऊंगा जरूर। ये तो यहाँ से ये है, जो ये तो ये सीधा यहाँ से ये देखें ये गया, इसके बाद ये इसमें ट्रांसफर वगैरह जो भी लगेगा, इसमें PFC सर्किट का अलग सिलसिला अलग है, इस पर अब बाद में बात करेंगे, इस पर बाद पे इसके वीडियो बनाऊंगा कि किस लिए है। अब मैं इस पर सिर्फ रिएक्टर पे आज बना रहा हूँ। तो अगर ये देखें कि रिएक्टर को टेस्ट आपने कैसे करना है, अगर आप ये रिएक्टर मेरे हाथ में ये देखें, ये रिएक्टर है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये रिएक्टर जो है यहाँ से अगर आप चेक करेंगे इसको तो आम मीटर से, तो ये यहाँ से आपको शॉर्ट बताएगा, अगर सीरीज पे चेक करेंगे तो लैंप फुल बलेगा, इसमें लैंप रोशन हो जाएगा, तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत माइनर सी होती है, लेकिन इसमें हैंगरी होती है, हैंगरी। तो मेरी एक वीडियो पड़ी है रिएक्टर टेस्टिंग पे, तो वो आप रिएक्टर टेस्टिंग की ये देखें, यहाँ पे हैंगरी इसका लिखा हुआ है, ये देखें, तो हैंगरी आपने इस पे हैंगरी चेक करनी है इसकी कितनी है, तो उससे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं ये ठीक है या खराब है। अगर ये वायर अंदर से शॉर्ट होगी किसी वजह से, किसी तरीके से गिर गया या जो भी शॉर्ट हो जाती है, तो ये काम करेगा, काम करने में मसला ही काम करेगा। जब ये, अब वो बात आ गई जो ऐसा ऐसा आपको इधर उधर इधर करके समझानी पड़ेगी, अब वो सिलसिला आ गया, तो अगर ये शार्ट हो गया तो होगा क्या, आप इसको मीटर से चेक करी जाएंगे सब कुछ ठीक है, दो तीन इसमें देखें काफी ऐसी चीजें आएंगी जो बार बार हम इधर 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 करके एक्सप्लेन करेंगे तो समझ आए। तो इसमें ये होगा कि जब ये अंदर से शार्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसमें आपका दो बजे बड़ी बजे बन सकती हैं, दो, एक तो आपका ये जो है IGBT है, ये इसका, ये जो है ये वाला इसका जो है यहाँ से ये है, ये आपका फट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, उसके बाद ये वाला। तो जब ये अगर आपका रिएक्टर ये खराब हो जाता है तो इसमें क्या एरर आएगा, अब एरर की बात कर लें कि एरर कौन सा आएगा, इसमें एरर जो है वो एरर आएगा हमारा वही वही सारा कुछ आ गया, ग्री वाला E6 कम्युनिकेशन एरर, अगर आपका ओरिएंट है, ओरिएंट में अगर तो आपका इलेक्ट्रॉन वाला लगी हुई तो E5 का एरर, अगर आपके दूसरी PCB लगी हुई है दूसरे मॉडल में तो उसमें E1, ठीक है जी, यही अगर हमारा जो लगा होता है हायर में लगा होता है E7 आ जाएगा इसकी इसकी फॉल्ट की वजह से, तो ये एरर इसमें आएगा, लेकिन डिफॉल्ट ये मसला ये फौरन आ जाएगा कि इसमें होगा ये, अगर ये आपका क्रॉस हो गया तो ये और ये जलने से नहीं हटेंगे जितनी दफा मर्जी, लेकिन आखिर में एक दो दफा आप जलाएंगे इसको, आप चेंज कर देंगे, जलाएंगे चेंज कर देंगे, तो फिर आपको क्या होगा बाद में, यहां से गेट को क्रॉस होके ये सीधी इसके मैक्रो प्रोसेसर में जाएगा, तो इसका मैक्रो प्रोसेसर जाया हो जाएगा आपका। तो इससे आपको ये जब भी ये आपको मसला इसमें आए, तो ये अगर ये खराब हो तब भी इसके लाजमी जरूरी है कि अगर आपका ये खराब हो, बार 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 आपको ये मसला आ रहा हो, तो आपने लाजमी इसका जो रिएक्टर है ये टेस्ट जरूर करना है आपने, ये ना हो कि आप रिएक्टर टेस्ट ही ना करें, ये चेंज करी जाए। तो ये कैपेसिटी इसकी जो है ये हैंगरी के हिसाब से होता है, इसका हैंगरी है, बाद में मैं जब एंड वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं चार्ट बना के दूंगा जिसपे मैं इसका लिख के दूंगा ये कितने हैंगरी का कितना है, किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको बाकी से शॉर्ट चेक कर लें, इसकी ये जो एक मीटर होता है इसका वो आप,
तो एलसीआर तो मीटर आप चेक कर सकते हैं इसका, लेकिन अगर इसमें एक ये मीटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें ये मेरे हाथ में पकड़ा मीटर है, इसमें अगर आप पास करके मैं आपको दिखा दूं कैमरे के, ये देखें ये मीटर, तो इस पे आप अगर हाई वोल्टेज पे इसका लीकेज चेक कर सकते हैं, तो ये भी आप जरूर चेक करें, क्योंकि अगर इसकी बॉडी से ये क्रॉस हुआ ये वाला, तो फिर भी आपको मसला पैदा कर देगा ये, तो इसमें से मैग्नेट जो है वो पूरा नहीं सही इसका काम नहीं करेगा। इसमें असल में ये होता ये है कि जैसे कि एक बड़ी वायर आप लगा देते हैं, कोई चीज सीरीज में लगा देते हैं, तो उसमें फ्लेक्स बनता है, जैसे मोटर उसमें फ्लेक्स बनता है, तो इसमें होता यह है कि इसका मेन फंक्शन ये होता है रिएक्टर का, कि जब इसमें मैं एग्जाम एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, ऐसा ऐसा बताऊंगा ताकि आपको हर वीडियो में समझ आती है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसका टेस्टिंग बता दिया, किस तरीके चेक करना वो बता दिया। तो इसमें ये देखें आप, यहां से जब ये गेट को गेट ऑन होता है, ये मिली सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए ये दोनों यहां से क्रॉस होती हैं। जो ही क्रॉस होती हैं तो यहां से ये देखें हाई वोल्टेज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इकट्ठा जुड़ गया, यहां से जब ये ऐसे आपस में क्रॉस हुआ तो उसी वक्त क्या हुआ, मिली सेकंड में ये खत्म, मिली सेकंड के बाद ये उस वक्त ओपन ओपन हो गया, जैसे ही ओपन होया मिली सेकंड के बाद ओपन हुआ, तो उसी वक्त उसका जो फ्लेक्स बनेगा वो ये कंट्रोल करेगा ये। अगर ये ना हुआ तो वही है, अगर ये यहाँ पे ना, अगर ये इसमें फ्लेक्स नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, तो होता क्या है, यहाँ से जब ये वोल्टेज यहाँ से इसमें जब ये पास होते हैं यहाँ से, तो यहाँ से डीसी हो, जब यहाँ पे जाते हैं फिर एक दफा आते हैं, तो ये थोड़े से एसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें फ्लेक्सोवेशन आ जाती है इसके अंदर। तो इसलिए इसको आप यहाँ से जब चेक करेंगे तो इसको अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ वोल्टेज के पल्स आते हैं, एक तो वो ये शॉर्ट की डायोड कवर करता है, इसके आपको बताता हूँ। उसके बाद यहां से जब ये आएगा तो एक फ्लेक्स फ्लेक्स बनेगा, अगर ये ना इसके अंदर होता ना मसला होता तो सीधा होना क्या था, इसका इसका या डैमेज या ये डैमेज, दोनों में एक चीज डैमेज उसी वक्त हो जानी, इसलिए ये होता है। तो अगर ये स्क्रीन शॉट आप फिर एक दफा मैं वीडियो दूसरी है तो फिर ये ले लें, अगर किसी ने काम सीखने का शौक रखता हो, काम करना हो, सीखना हो, तो हमसे रابطہ कर सकता है। ये ऑनलाइन क्लास है, लेकिन हम वैसे भी ऑन क्लास यहाँ पे देते हैं। ये नंबरिंग मेरी, ये नंबर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये नंबर है, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका, ये आज रिएक्टर पे वीडियो थी, कल इसके बाद आगे जो कंपोनेंट है उस पर आगे आगे सारी मैं रोज पर रोज थोड़ी थोड़ी आपको बना के, जैसे हम क्लास देते हैं तो आपको भी साथ साथ हम लेके चलेंगे। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।